ऐसा गाढ़ा गाढ़ा हर्षी सिरप घर पर बनाए और मज़े लें बिना प्रिजर्वेटिव के। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनने वाला यह हर्षी सिरप आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और किसी भी तरह का कोई हानिकारक प्रिजर्वेटिव नहीं मिला है। चलिए बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी लाइफ को आसान बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्ती और आपके बच्चों को पसंद आने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग डिश जो कि एक तरह की सब्स्टिट्यूट है हर्षी सिरप की। ये देखिए, मैंने इसके लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट लिया है कोको पाउडर और उसके लिए मैंने ली है शुगर। चलिए इसको पहले हम ओपन करते हैं और उससे पहले हम डाल लेते हैं ये 1 कप शुगर एंड 1 कप ऑफ कोको पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। 1/2 कप ऑफ वाटर। सबसे पहले हम फ्लेम ऑफ किए हुए हैं, सबसे पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। चलिए हम फ्लेम को ऑफ ऑन करते हैं और इसको स्लो फ्लेम पर हम सेट कर देते हैं और बस इसी तरह से हमें इसे चलाते हुए पकाना है। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं ऐसे ही आपकी लाइफ को बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकूं। आपकी लाइफ में बहुत सारे काम रहते हैं जिसमें वुमन्स अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं और उनके लिए ये सब करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इन सब चीज़ों को अगर घर पे रखना है तो आप बिना प्रिजर्वेटिव के अपने घर पर ही बना सकते हैं। किसी भी तरह का आपको कोई भी प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं। इसमें शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है तो हम 1/2 चम्मच डालेंगे ये बटर। अब इसमें हम डालेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट और मैंने 1/2 टीस्पून ले लिया है ये कॉर्न स्टार्च। इसमें हम पानी डालकर स्लरी बनाएंगे और ये स्लरी हम इसमें डाल देंगे ताकि थोड़ी थिकनेस आए। इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है। चलिए हम अपना ये वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून ऐड कर दिया है और बस इसको हम 1 मिनट और पकाएंगे और फिर हम फ्लेम को कर देंगे बंद। हमें इसकी थिकनेस चेक कर लेनी है, बस इस तरह की हमें चाहिए और अब हम फ्लेम कर देते हैं बंद। हमारा हर्षी सिरप घर पर बना हुआ बिल्कुल तैयार है। अब इससे आप कोई भी डिश आराम से बना सकती हैं, कोई भी शेक आराम से बना सकती हैं, आइसक्रीम आराम से बना सकती हैं। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और इसमें कोई भी हार्मफुल प्रिजर्वेटिव नहीं मिला है। आपके बच्चों के लिए बिल्कुल यूज़फुल चीज़ है, आप लोगों के लिए भी इसको यूज़फुल है, हेल्दी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।